एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है ये थोड़ा सा, एक तरह से आप बोल सकते हो, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। बट यहाँ पे हम आपको इजीली हर एक चीज़ सिंपल वे में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में पहले हम देखेंगे, देखो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब दो पार्ट्स जो दो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी क्या काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। और जो एंडोक्राइन सिस्टम, हमने इससे प्रीवियस जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपने वो फॉलो किया है ना, तो आपको वहाँ पे हमने बताया था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम भी संभालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह के सिस्टम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम कैसे करते हैं, एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सॉरी, नर्वस सिस्टम्स आर मीडिएटेड थ्रू द न्यूरॉन्स एंड दीज आर क्विक। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स आते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, एक तरह से क्विक एक्शन यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एक तरह से इनका स्लो होता है, ठीक है, जो सिस्टम होता है वो स्लो होता है, ठीक है। मीडिएटर्स आर हॉर्मोन्स, यहाँ पे हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हॉर्मोन्स आपके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी इवैल्यूएशन देखेंगे कि ब्रेन की इवैल्यूएशन हुई कैसे है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे लोअर एनिमल्स जो थे, ठीक है, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, अलग अलग फाइलम्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो फाइलम होती है, सबसे पोरीफेरा फाइलम जो होती है, ठीक है, स्पॉन्जिस उसमें होता है एग्जाम्पल। तो पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, देखो पोरी मतलब एक तरह से पोर्स टाइप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और स्पॉन्जिस में क्या होता है, स्पॉन्ज आप जैसे होता है ना, जो बाथ वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है, उस तरह के स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको, वैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ब्रेन नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके पास बट स्टिल न्यूरोन्स आर एबसेंट, देखो इसके अंदर न्यूरोन्स एबसेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो न्यूरोन नहीं है, न्यूरोन क्या करती है, एक तरह से एक्सटर्नल जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे हमें पता चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरोन्स भी नहीं है, न्यूरोन्स आर एबसेंट, बट स्टिल स्पॉन्जेस रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फिनेकोसाइट्स होते हैं ऑफ आउटर बॉडी वॉल, जो आउटर बॉडी वॉल्स होती है वहाँ पे फिनेकोसाइट्स होते हैं, एंड वॉल्स आर हाईली कॉन्टेक्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, ये ऑर्गेनिज्म है, लोअर जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में अगर आपने वो पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझ आएगा। बट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे इवेल्यूशन हुआ, ठीक है, उसका इवेल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हम ब्रेन तक आए हैं। तो देखो एक टाइम ऐसा था जिसके अंदर न्यूरोन्स भी नहीं थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसके अंदर न्यूरोन्स भी नहीं है, ठीक है। ऐसे एक फाइलम है जिसका नाम है नाइडेरिया। अब नाइडेरिया में हम एग्जाम्पल देते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा ये एक तरह से वाटर ऑर्गेनिज्म है, आपने सुना भी होगा हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा इज द फर्स्ट एनिमल इन द कोर्स ऑफ इवेल्यूएशन विच शोज बिगनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अंदर जो हाइड्रा है ना, एक ये नाइडेरिया जो फाइलम है, इसके अंदर सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखा गया था, ठीक है। न्यूरोन्स न्यूरोन्स ऑफ हाइड्रा आर वेरी स्मॉल, सॉरी सिंपल, एंड हाइड्रा हैज अ न्यूरोन्स बट नो ब्रेन। देखो यहाँ पे ब्रेन नहीं है, यहाँ पे न्यूरोन नर्वस सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब इवेल्यूशन हुई तो यहाँ पे फाइलम, नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है प्लेटी हेलमेंथस। तो प्लेटी हेलमेंथस जो है, यहाँ पे हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्लेनेरिया जो होता है, इसमें क्या होता है, एक तरह से सेफेलाइजेशन, मतलब तरह से हेड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है इस तरह का, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है वो, ठीक है। यहाँ पे आपको हेड भी आपको प्रॉपर नजर आएगा कि ये आपका ये हेड है, आइज आपको छोटी डेवलप होती दिखाई देंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेड फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखो पहले क्या था, न्यूरॉन्स भी नहीं थे, उसके बाद यहाँ पे नर्वस सिस्टम आया, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बाद यहाँ पे जो प्लेनेरिया है हमारे पास, यहाँ पे हेड आया उसके पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एनिलीडा। एनिलीडा में क्या आता है, हमारे पास अर्थवर्म एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो अर्थवर्म में आपने देखा होगा हेड तो होता है, ठीक है, डबल वेंट्रिकल कोड आ गई यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे हेड हेड था, यहाँ पे कोई कोड बोर्ड नहीं थी, यहाँ पे डबल वेंट्रिकल कोड आ गई है, ठीक है, सेरेब्रल गैंग्लिया यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का एक तरह से क्या होता है, इसमें ऑक्टोपस एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो ऑक्टोपस जो है ना, एक तरह से बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑक्टोपस में हम देखा भी होगा, ऑक्टोपस को ट्रेनिंग देती है, ठीक है, इट मीन्स वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अमंग इन इन वर्टिब्रेट्स ऑक्टोपस हैज अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही जो ऑक्टोपस होता है, हाईली डेवलप ब्रेन होता है उसके पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे स्टारफिश है,
ठीक है, 1 किलो डोरमेटा हम इसको बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरह से ऐसे जो स्टारफिश जो होती है ना, उसकी जो बॉडी आप देखोगे, सरफेस अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक तरह से स्पाइन टाइप, ठीक है, स्पाइन की सरफेस होती है। ठीक है, दीज आर नो ब्रेन, यहाँ पे कोई ब्रेन नहीं होता उसके पास। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर और रिंग्स होती है यहाँ पे, नर्वस विद द रेडियल नर्वस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इवेल्युएशन में हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सेफेलाइजेशन यानी हेड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटर न्यूरोन्स यानी नर्वस विच कनेक्ट टू न्यूरोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश कैसे की कि जो इवेल्युएशन कैसे हुआ नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो जो आपके पास ये आपका एक तरह से जो फ्लो चार्ट बना है ना, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अगर आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है, जानना है, समझना अच्छे से, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। तो नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है सीएनएस, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। नेक्स्ट है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी मैं इसको पिक्चर में भी आपको शो करूंगी, एक इमेज में आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सीएनएस सिस्टम जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और जितना देखो यहाँ पे ब्रेन मैं बना देती हूँ, ब्रेन ये आपका है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्पाइनल कोड है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी जो ब्रेन के अराउंड ऐसे नर्व जो निकलती हैं, नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कोड मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इसमें दिखाई होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाया है, ये आपका सीएनएस है, सीएनएस के अंदर आपको ब्रेन और स्पाइनल, देखो यहाँ पे ब्रेन जो आपका और यहाँ पे स्पाइन है। ठीक है, तो ये ब्रेन और स्पाइन आपको दिखाई है। पीएनएस में क्या है, जो अराउंड में देखो यहाँ पे पेरिफेरल निकल रहा है ना सारा, येलोश कलर में जितना भी है, तो येलोश सारा पार्ट जो है पेरिफेरल नर्वस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शो किया है, जो भी पेरिफेरल हम बात करेंगे, तो यानी जो यहाँ पे अराउंड पेरिफेरल जो नर्व्स यहाँ पे शो हो रही है येलो कलर में, इनके बारे में हम बात करेंगे। और जब भी हम सीएनएस के बारे में बात करेंगे, इसमें सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल स्पाइन कोड होगी। ठीक है, स्पाइनल कोड और ब्रेन होगा सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हम सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे शुरू होते हैं सीएनएस। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस, पहले हम देखते हैं कि सीएनएस किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आती है, देखो अब आपको जो ब्रेन है, अब ब्रेन एक हेलमेट टाइप आपके पास बोन है। ठीक है, जिसको हम, तो इस बोन को हम बोलते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम जो होती है एक तरह से हेलमेट टाइप होती है बोन, जो हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद होता है सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये भी हमारे प्रोटेक्शन में, जो सीएनएस की प्रोटेक्शन होती है उसमें हेल्प करता है। देन ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको हम बीबीबी बोल देते हैं। ठीक है, बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी हेल्प करता है सीएनएस की प्रोटेक्शन में। ठीक है, उसके बाद मेनेंजिस होती है, मेनेंजिस भी लेयर्स होती है जो हम बात करेंगे आगे। अब पहले हम देखते हैं स्केलेटन, स्केलेटन इसमें कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो क्रेनियम बोन होती है, क्रेनियम जो होती है वो ब्रेन बॉक्स हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। और जो हम जो स्पाइनल कोड होती है उसको कौन करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कोड को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे सीएसएफ फ्लूइड होता है ना, ठीक है, ये क्या करता है, लिम्फ इज प्रेजेंट, देखो यहाँ सॉरी लिम्फ इज एब्सेंट, यहाँ पे लिम्फ नहीं होता। ठीक है, इन द सीएनएस, देखो जब सीएनएस में लिम्फ नहीं है तो ऑब्वियस बात है इन द प्लेस ऑफ लिम्फ यहाँ पे सीएसएफ होगा। ठीक है, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शो रखा है, देखो यहाँ पे जो आपको ये ब्रेन है, ठीक है, एक तरह से इसमें शो किया गया है कि जो सीएसएफ है, ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी मूवमेंट दिखाई है, सीएसएफ यहाँ से, देखो यहाँ से क्या हुआ निकला और उसके बाद यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये सारी मूवमेंट है, जो एरो शो कर रहा है ये सीएसएफ की मूवमेंट को शो कर रहा है, यानी सेरिब्रो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ऐसे मूव करता है। उसके बाद कोई यहाँ पे जो बनता है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे जाएगा नीचे। ठीक है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे जो उसका मूवमेंट है, फ्लो ऑफ सीएसएफ है, ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज अ क्लियर कलरलेस कलरलेस स्लाइटली अल्कलाइन, 7.3 pH होता है इसका। ठीक है, फ्लूड विच इज प्रोड्यूस बाई ए सी ए सी पी ए सी सॉरी ए सी पी क्या होता है, एंटीरियर
कैरोटिड प्लेक्सिस। अब प्लेक्सिस क्या होते हैं, देखो एंटीरियर कैरोटिड प्लेक्सिस जो होते हैं ना, ये भी ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे कहाँ पे होते हैं, पीसीपी क्या क्या होता है, पोस्टीरियर कैरोटिड प्लेक्सिस जो होते हैं। देखो प्लेक्सिस का मतलब होता है टाइप ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्क एक तरह से ब्लड वेसल्स का भी हो सकता है, न्यूरोन्स का भी हो सकता है, ठीक है। टाइप ऑफ प्लेक्सिस ये होते हैं। उसके बाद है इसका जो वॉल्यूम होता है 80 to 150 ml तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एंड रीअब्जॉर्ब होते रहती है, ठीक है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, पोटेशियम आयंस, सोडियम, ठीक है, कार्बोनिक आयन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो CSF है ये सब चीज़ें कंटेन करते हैं, ठीक है, कंसिस्ट होती है इसमें। उसके बाद देखो ये सारे प्रोटीन, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, पोटेशियम, ये सब जो होते हैं ना, आयन जो होते हैं, ये हमारे जो देखो CSF क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये जो सारे आयन्स हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ये ब्रेन को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एंड CSF इज प्रेजेंट इन, अब कहाँ कहाँ पे CSF प्रेजेंट होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब देखो हम हार्ट में हमने वेंट्रिकल्स देखी थी, दो वेंट्रिकल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट, लेकिन ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कैनाल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद होते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, तो यहाँ पे सब एरेक्नोइड जो स्पेस होते हैं, अभी मैं इन तीनों को आपको शो करूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे शो हो रखे हैं। उसके बाद देखो इन वेंट्रिकल्स में जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर CSF प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कोड, तो सेंट्रल जो कैनाल स्पाइनल कोड है, यहाँ पे भी आपका CSF प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब एरेक्नोइड स्पेस, देखो जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ पे ये आपका क्या है, देखो ये पूरा एक तरह से सब एरेक्नोइड स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके प्रेजेंट होगा। तो आपको देख रहे हो यहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल्स हो गए, उसके बाद यहाँ पे आपका एक किनाल हो गया, ठीक है, किनाल स्पाइनल कोड जो होता है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या होते हैं CSF के, अब ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन कंटेन करता है, तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को देगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड कलेक्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी कलेक्ट करता है ब्रेन से, एंड मेंटेन द कॉन्स्टेंट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमने देखा था जो न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स, ठीक है, अब उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, CSF। अब नेक्स्ट हमारे पास है BBB, ये भी करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, एक तरह से ये एस्ट्रो सेल से बनते हैं, ठीक है। एस्ट्रो सेल इस लाइक अब मैं दिखाऊंगी अभी एक बार आपको, ठीक है, बीबी सेल्स कैसे होते हैं, एस्ट्रो सेल से बनते हैं, ठीक है। एंड कैपिलरी, देखो जो कैपिलरी सप्लाई करते हैं ब्लड ब्रेन को, ठीक है, उसके सराउंड में क्या होता है, ये जो एस्ट्रो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उसके अराउंड ये एस्ट्रो सेल्स है, ठीक है। वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगी, थोड़े स्टार शेप के होते हैं, ठीक है, देखो लिखा हुआ है स्टार शेप न्यूरोग्लियस सेल्स होते हैं कॉल्ड एस्ट्रोसाइट, ठीक है। अब देखो जो ये आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये स्टार शेप एस्ट्रोसाइट यहाँ पे है, ठीक है, ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर है, ये स्टार शेप आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो है एस्ट्रोसाइट से। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, देखो ध्यान से देखना जो मैंने लाइन अभी बोली थी आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिलरीज सप्लाई ब्लड टू ब्रेन, जो कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उसके सराउंड में ये एस्ट्रोसाइट्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी फॉर एग्जांपल ब्रेन को सप्लाई कर रही है ब्लड, ठीक है, अब ये आपको कैपिलरी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे देखो ये कैपिलरी इसके एंडोथीलियम है, ठीक है, एंडोथीलियम के अराउंड ये आपकी जो है, ये तो मैक्रोफेजेस है, ये तो आप छोड़ो, लेकिन मेन चीज क्या है, एस्ट्रो, तो एस्ट्रोसाइट जो है एक तरह से फूड प्रोसेसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये इसके अराउंड जो सेल है ना, ये जो सेल है इसके, मैंने कहा था ना कैपिलरीज के सराउंड जो सेल है, ठीक है, ये सेल्स एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको इस तरह से दिखाया है, तो एस्ट्रोसाइट्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्टार शेप के होते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो अब आपने सुना भी होगा कि कुछ ड्रग ऐसी होती है जो CNS के ऊपर आके एक्ट नहीं करती, ठीक है, वो जितनी मर्जी दे दो दवाई उसको, लेकिन वो CNS के पास नहीं जाएंगी, ब्रेन के पास नहीं जाएंगी, वहाँ पे जाके एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, हमें उनको डायरेक्ट ब्रेन में देना पड़ता है, ठीक है, ब्रेन में इंजेक्शन के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है। अब वो जो दवाइयाँ हैं जो ब्रेन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही हैं जाकर, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, ये जो बैरियर होता है, क्योंकि देखो यहाँ से जब डिफ्यूज होगा ना, अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के थ्रू इस जो ये लेयर है
एस्ट्रोसाइट्स जो लेयर है, ठीक है, इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से भी इसको डिफ्यूज होना पड़ेगा। अब जब ये डिफ्यूज होंगे ना, यहाँ से कोई भी मटेरियल है, कोई भी ड्रग जो भी होगी हमने लिया है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस जो यहाँ से निकलेगा, अब उस सब्सटेंसेस को यहाँ से पहले क्रॉस होना पड़ेगा ब्लड ब्रेन बैरियर से। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रग है जो आपने ली है, अगर वो नहीं हो रहा तो इट मीन्स वो ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसका रोल होता है। तो यहाँ से प्रोटेक्शन करती है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना ब्रेन को, अगर कोई हार्मफुल ड्रग हुई, ठीक है। लेकिन अब वो हार्मफुल ड्रग अगर हमारे ब्रेन में चलेगी तो हमें हार्मफुल हार्म कर सकती है वो, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन हमारी बॉडी के लिए होता है ये। तो आगे जब आप फार्मेसी में जाओगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो रोल क्या होता है, एक तरह से वही कि ड्रग्स वगैरह को यहाँ पे नहीं जाने देता, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ब्रेन में दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था मेनेंजिस। मेनेंजिस भी क्या होती है, ये हमारे ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, एंड दीज आर मेम्ब्रेन्स विच आर सराउंड ब्रेन, सराउंड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये स्पाइनल कोड और ब्रेन को जो सराउंड करते हैं उसको मेनेंजिस बोलते हैं, ठीक है। अब मेनेंजिस रिलेटेड डिजीजेस भी होती हैं, ठीक है, उसको मेनेंजिस आइटिस बोलते हैं, ठीक है, यानी मेनेंजिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सॉरी एक तरह से, हाँ, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। मेनेंजिस आर न्यूट्रिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिएटिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, तीन तरह की लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, ठीक है, आर्कनोइड मैटर एंड पिया मैटर, तीन लेयर्स होती हैं। देखो इस वाले डायग्राम में आपको शो किया है, देखो यहाँ पे जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये पिया मैटर है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा देखो यहाँ पे बीच की जो लेयर है आर्कनोइड लेयर है, उसके बाद हमारी जो रहती है टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर, यहाँ पे दो लेयर्स होती है ड्यूरा मैटर की, ठीक है। अब ड्यूरा मैटर की जो लेयर है यहाँ पे दो दिखाई है, ठीक है, एक इनर होती है, एक आउटर मोस्ट होती लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट, आउट लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। उसके बाद जो एरेक्नोइड है, एरेक्नोइड को ऐसे क्यों बोला गया, क्योंकि टाइप ऑफ यहाँ पे ना जैसे होता है ना मकड़ी का जाला होता है वेब, ठीक है, एक तरह से इसका वेबी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेबी टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो एरेक्नोइड है एक तरह से आप बोल सकते हो जो स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर क्या करता है, जाला बनाता है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे जाला टाइप वो होता है इसका लेयर आप बोलो, ठीक है, मेनेंजिस होती है। उसके बाद पिया मैटर सबसे अंडर इनर मोस्ट लेयर होती है पिया मैटर। अब इसको थोड़ा सा लार्ज करके यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ड्यूरा मैटर है इसकी दो लेयर्स हमने बताई थी आपको, ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स है, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो आउटर लेयर आप देख सकते हो ये देखो जो आपकी है इनर लेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको जो आउटर लेयर है इसकी देखो यहाँ पे दोनों डिवाइड हो गए, फर्दर डिवाइड होकर यहाँ पे क्या बनाया है इसने, यहाँ पे स्पीरियर एक तरह से सनकस बनाया, ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज यहाँ पे क्या लेयर है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्नोड लेयर है, देखो यहाँ पे जो ये है ना, मैंने कहा था ना आपको नेटवर्क वेबी स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से वेबी यहाँ पे फॉर्म करती है, तो ये जो आपका है वेबी टाइप है। उसके बाद पिया मैटर जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ये सारी लेयर है पिया मैटर, ठीक है। तो मेनेंजिस भी हो गई, अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं ड्यूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट टफेस्ट एंड ए वेस्कुलर लेयर, यानी इसके अंदर कोई वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरेक्नोइड मैटर, इसमें क्या होता है, इट इज अ मिडल लेयर विच अ वेबी इन अपीयरेंस, यानी एक तरह से वेबी टाइप में देखा था ना जाल, इसमें जैसे जाला होता है मकड़ी का वैसा, ठीक है। लास्ट हमारी जो लेयर है वो है पिया मैटर। अब पिया मैटर क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है एंड द मोस्ट डेलिसेंट लेयर, इट हैज अ पेन रिसेप्टर्स एंड ब्लड कैपिलरीज, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगे और पेन रिसेप्टर्स भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेनेंजिस रिलेटेड एक डिसीज होती है जिसका नाम है मेनेंजाइटिस, यानी इसके पीछे आईटिस लग जाता है ना, उसको हम इन्फ्लेमेशन एज इन्फ्लेमेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनेंजिस कॉज्ड बाय नीसीरिया मेनेंजाइटिस। देखो जो ये बैक्टीरिया होता है ना, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो यहाँ पे बैक्टीरियल से ही होगा, तो ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ये बिटवीन 5 to 30 ईयर्स के आसपास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, तो ये क्या होता है, ये बिटवीन 2 to 5 ईयर्स एज के आसपास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसमें क्या होता है, ओवर 30 ईयर्स के जो पीपल्स होते हैं उसमें होता है, ठीक है, ये कोस करता है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के नेम है डिफरेंट डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वॉमिटिंग, हेडेक और स्टिफनेस ऑफ नेक, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो डिसीज है ना, ये बहुत ही क्रॉनिक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इजिली इसको हम ठीक नहीं कर सकते। एक तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होती है, बैक्टीरिया से अटैक से होती है, तो इसलिए हम इसको क्रॉनिक डिसीज में ही करते हैं, ठीक है।
तो आज हमें नर्वस सिस्टम में पहले थोड़ा सा इवेल्युएशन देखा, कैसे हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम देखा, उसकी क्लासिफिकेशन हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। देन हमने CSF हमने बात की थी, ठीक है, CSF कैसे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। उसके बाद हमने देखा था प्रोटेक्शन कौन कौन सी करती है, स्केलेटल हमारा हो गया, CSF हो गया, ब्लड बैरियर, मेनिंजेस, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बस हमने ये देखा, देन हमने एक डिसीज के बारे में बात की, मेनिंजेस रिलेटेड, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से बैक्टीरियल जो होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। सो इन लास्ट इसके हमने सिम्टम्स देखे, ठीक है। सो लास्ट एट लास्ट इफ यू हैव एन डाउट सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।